सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जितने अच्छे विचार होंगे जीत उतनी ही शानदार होगी। अहंकार मनुष्य की प्रतिभा और कुशलता को उसी प्रकार से नष्ट करता है जैसे दीमक किसी लकड़ी को। छल में बेशक बल है मगर प्रेम में आज भी हल है। जिनकी हिम्मतों में जान है वो कहां मुसीबतों से परेशान है। आज का पंचांग 24 मई 2023 दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, रात्रि 3:01 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र दोपहर 3:06 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:16 से 1:56 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर सुबह 8:27 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 24 मई 2023 दिन बुधवार, आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा और आपको किसी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार रहना है। आपको कई दिशाओं में सक्रिय रहना पड़ेगा लेकिन सकारात्मक बने रहेंगे। आपने ऊर्जा एवं वास्तविकता से परिपूर्ण सार्थक योजनाएं पेश करेंगे। अपनों को भी इसमें शामिल करें। आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भी होगी। यात्रा से पहले या यात्रा के दौरान समस्याएं हो सकती है। काम या घर में आपके प्रबंधकीय कौशल किसी भी जटिलता से बचने में उपयोगी सिद्ध होंगे। नेतृत्व करने और कड़ी मेहनत करने की आपकी क्षमता दूसरों द्वारा नोटिस की गई है और जल्दी आपको अच्छे परिश्रम भी मिलेंगे। आप अपने समाज में एक सम्मानजनक स्थिति का आनंद लेंगे। अपने लक्ष्य को परिभाषित करना आपके लाभ के लिए काम करेगा। अपने परिवार और दोस्तों से अपने विचारों को जरूर बांटें। जोखिम लेने में झिझक ना करें और याद रखें कि जब तक आप अपनी नजर मैदान पर नहीं रही और याद रखें कि जब तक आपकी नजर मैदान पर नहीं रहेगी तब तक आप नई ऊंचाइयों की खोज नहीं कर सकते। नियमित व्यायाम के माध्यम से वजन को नियंत्रित रखें। अगर आप आय में वृद्धि के स्रोत खोज रहे हैं तो सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में निवेश करें। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे। अच्छा आपको महसूस होगा कि आपका साथी आपसे कितना प्यार करता है। आज आपने जो नई जानकारी हासिल की है वह आपको अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाए वह आपको अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाएगी। आज खाली वक्त का सही उपयोग करने के लिए आप अपने पुराने मित्रों से मिलने का प्लान बना सकते हैं। एक बढ़िया जीवन साथी के साथ जीवन वाकई अद्भुत लगता है और आज आप इस बात का अनुभव कर सकती हैं। घर और व्यवसाय के बीच उचित संतुलन बना रहेगा। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन को अपनाएं, इससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। नकारात्मक विचार भी दूर होंगे। मित्रों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, इस वजह से एक दूसरे के साथ के संबंध गहरे बनते हुए नजर आएंगे। जिन लोगों की आपने मदद की है उनकी मदद से समस्याएं दूर हो सकती है। परिवार के लोगों की एक दूसरे के लिए नाराजगी जल्द ही दूर होगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर काम करने वाले को फायदा मिलेगा। परिवार में किसी का विवाह जल्दी ही तय हो सकता है। सर्दी खांसी के कारण तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। आपके प्रयास सफल होंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप एक नई साझेदारी में प्रवेश कर सकती हैं। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आप कुछ महत्वपूर्ण कनेक्शन स्थापित कर पाएंगे। आपके विचार और कार्यशैली की सराहना की जाएगी। अच्छा आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। व्यवसायिक योजनाएं शुरू की जा सकती है। अगर आप उच्च अध्ययन या नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आप निराश नहीं होंगे। आप कुछ प्रभावशाली लोगों से भी मिलेंगे। सावधानियां, अपने आसपास की नकारात्मक
बातों पर ध्यान ना देकर आप अपने काम पर लगे रहें। कोई मुश्किल आने पर अनुभवी और वरिष्ठ लोगों के साथ सोच विचार करना आपके लिए सहायक रहेगा। योजनाबद्ध तरीके से खर्च करें। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक जीवन में भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। आज आप बहुत सारे कार्यों में व्यस्त रहेंगे और इसके कारण आप अपने पार्टनर की छोटी सी बात पर भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। वे बातें जो आपको पहले अच्छी और सभ्य लगती थी, अब आपको अच्छी नहीं लगेगी। इस चिड़चिड़े स्वभाव से मुक्ति पाने के लिए आपके पास सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप काम से छुट्टी लेकर खास अपने लिए कुछ करें, जैसे एक्सरसाइज या सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ। इससे आपको अच्छा लगेगा। आज का दिन केवल आपका है। दिल खोलकर इसे जिए। आप दोनों की कोशिशों से आपका बोरिंग जीवन एक्साइटमेंट की खुशबू से भर जाएगा। आप अपने साथी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, इसीलिए आपके बीच का अटूट बांध किसी भी कीमत पर नहीं टूट सकता। अच्छा, आपको प्यार के मौके अपनी कार्यस्थल पार्टी या किसी अन्य अवसर के माध्यम से मिल सकती हैं। अपने कुल रवैये और आकर्षण का प्रयोग करके अपने साथी को हमेशा अपने करीब रखें। अपने पार्टनर से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, इसलिए इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से जाने ना दें। बात करते हैं करियर की। परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा आपको उनके और भी करीब ले आएगी। अच्छा भाग्य आपके इंतजार में है। बस खुद पर विश्वास करें और लक्ष्य पर नजर रखें। धन के लेन देन में देरी नुकसान का कारण बन सकती है। दुर्घटना से बचने के लिए आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करें। आपका बिजनेस आज पूरी तरह से संतोषजनक है। काम के प्रति अपने लक्ष्यों को फिर से निर्धारित करें, इससे आपको फायदा होगा। पुराने विचार आपको निराश नहीं करेंगे, किंतु नए प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए भी यह समय अच्छा है। जोखिम लेने से पीछे न हटे, क्योंकि जब तक आप जमीन पर रहेंगे तब तक ऊंचाइयां नहीं छू सकती। अच्छा, आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्य में अपने मित्रों और सहकर्मियों से सहायता मिल सकती है। आप उनको अपना आभार देना ना भूलें और बदले में आप भी समय पड़ने पर उनकी सहायता करें। धन एवं नकदी प्रवाह में सुधार आएगा। इस दिन आपको अपने अनावश्यक खर्चों पर भी लगाम लगानी होगी, क्योंकि आप अच्छा कमाएंगे पर साथ साथ आपके खर्चे घटाने आपके लिए मुश्किल होंगे। व्यवसाय में ज्यादा समय देने की जरूरत है। अपनी कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। नौकरी पेशा लोगों का आपके कार्य के लिए अच्छा प्रदर्शन रहेगा। बात करते हैं सेहत की। अतिरिक्त कार्यभार और नकारात्मक विचारों की वजह से थकान रह सकती है। आज आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। हालांकि आपकी सलाह अच्छी होगी, लेकिन बिन मांगे दी गई आपकी सलाह का हर कहीं स्वागत नहीं होगा। आपको आज खुद की सुननी चाहिए और खुद को खुश करने या सवारने के लिए काफी पैसे भी खर्च आप कर सकती हैं। हालांकि जहां तक आपकी इच्छाओं और आपके कामों से दूसरों का भी लेना देना है, थोड़ा संभल कर व्यवहार करें, क्योंकि लोग आपकी नेक इच्छाओं को भी गलत समझ सकते हैं। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप हरे रंग के कपड़े पहने शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।